अच्छा यही कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे खजूर से पार फेंक रहे हैं लेकिन वो नहीं पहुँच रहा है, यही गिर गया पत्थर। अरे जे मान नहीं रहा, कहाँ पे फेंक दिए पत्थर, बहुत दूर पत्थर फेंकने की कोशिश। दोस्तों आज मैं आया हूँ रामनगर के किले पे, जो कि इसमें कहा जाता है पहले पांडव रहा करते थे, और ये रामनगर उत्तराखंड वाला नहीं है, ये है हमारे औला के पास में जो रामनगर पड़ता है वो वाला रामनगर, और ये आगे अभी हम चलेंगे आगे किले के पास। इसमें अंदर की ओर जा रहे हैं इस किले में, और देखते हैं चल के कि यहाँ पे सामने जो अंकल हमारे चल रहे हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पे एक मंदिर टाइप का है, कुछ गधा वगैरह कुछ कह रहे थे, गधा बना हुआ है वो, देखते हैं अंदर जाके। और आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, फिलहाल हम तो यहाँ पर पहली बार आए हैं और अंदर जाके देखते हैं, मस्ती करते हैं थोड़ी बहुत, और आप कमेंट करके बताना कि आप यहाँ पे आ चुके हो या नहीं आए हो। और दोस्तों आप देख सकते हो अभी हमें इससे भी आगे जो रास्ता दिख रहा है वहाँ पे जाना है, और ये देख सकते हो जो पीपल का पेड़ है काफ़ी पुराना है देखने में, और आगे चल के देखते हैं कि आगे कौन सा गधा है जो अंकल हमें दिखाना चाहते हैं। कह रहे थे कि बहुत अच्छा है वहाँ पे, और ये दिख तो रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कुछ दीवार टाइप की दिख रही है, लगता किला है, किला किला है अंकल, या फिर कोई गधा बता रहे थे, क्या चीज़ है? भीम की गधा। अच्छा, किसकी? भीम की गधा है अंकल बता रहे हैं हमें कि वहाँ पे आगे भीम की गधा है। भीम की गधा है अंकल, पहले आ चुके हैं हम, पहली बार आए हैं अंकल हमें लेके आए हैं कि वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे, देखते हैं। और चलिए आगे चल के देखते हैं कि दोस्तों आप देख सकते हो कि अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो देख सकते हो इसी को शायद कहते हैं भीम, इसी को कहते हैं भीम का गधा। भीम का गधा, अच्छा इसको ही बोलते हैं भीम का गधा। मुझे तो पता नहीं, हम सोच रहे थे बवाला गधा होगा, और हमारे तो मन में कुछ और ही चल रहा था कि हनुमान जी वाला गधा होगा। फिलहाल यहाँ पे देख किला किला लग रहा है हमें तो। दोस्तों अब हम इसके ऊपर चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ से रास्ता होगा। देखने में तो ये एक क्या कहते हैं उसे वहाँ पे, और दोस्तों ये तो मुझे पिरामिड की तरह लग रहा है थोड़ा, लाल पिरामिड अलग होता है लेकिन थोड़ा बहुत लग रहा है, आपको भी देखने से लग रहा होगा। और देखते हैं इसमें कहाँ से रास्ता है, और इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे जो कि घास वगैरह जमी हुई है, ऊपर से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। और अंकल कितने दूर जाना पड़ेगा? थोड़ी दूर और है, और यहाँ से भी आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर कुछ लोग हैं जो कि अपने फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं। हाँ सर भैया बताओ कैसा बोलना चाहोगे इसमें, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अति सुंदर दृश्य है, आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पे पहले कभी आए? पहले कभी नहीं आए, पहली बार यहाँ पे आए हम लोग। बताओ इसके बारे में, पहली बार देख रहे हैं आप लोगों को, पहली बार दिखा रहे हैं। जो हम देखेंगे वो आप सब सब कुछ आपको दिखाएंगे। अच्छा, हम लोग पहले यहाँ पे नहीं आए हैं कभी, और पहली बार यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे ऊपर चढ़ के थोड़ी सी मस्ती भी करते हैं। और लक कैसा रहा यहाँ पे, जो फील कैसा रहा? सुंदर, बहुत सुंदर व्यू आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और लेकिन सांस फूलने लगी चढ़ते चढ़ते। आप देख सकते हो अंकल है बहुत तेजी से चढ़ रहे हैं, ओ यहाँ पे सीढ़ी लगाई गई है लोहे वाली, देख सकते हैं ऐसा स्टार्टिंग यहाँ से चढ़ाई की है, इसकी सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है नीचे जो लोहे की सीढ़ी लगाई गई है। यहाँ से जो व्यू है ओ हो काफी देखने लायक है, काफी शानदार है, फिर भी सीढ़ियाँ बड़ी हुई है। और दोस्तों आप देख सकते हो इस साइड भी एक सीढ़ी है और इस साइड भी एक सीढ़ी है, हम ये वाला साइड से चढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से अंकल जी गए हैं। अंकल जी सही जगह जा रहे हैं, अच्छा आ जाएं। ओहो बच गया भाई, आराम से चढ़ो आराम से। ओहो भाई भाई गजब नजारा है, वास्तव में देख सकते हो आप मेरे पीछे, ऐसा लग रहा होगा कि पहाड़ी क्षेत्र में आए हुए हैं। भाई यहाँ से सही है, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आगे। बताओ हमारे व्यूअर्स को कुछ, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये। आप पहले कितने टाइम पहले आए थे चढ़ाई पे? अरे अभी 8 दिन पहले आए थे, 8 दिन आए पहले आए थे, और अब हमें लेके आते हैं, अच्छा लगा तो बोले चलो आप भी चढ़ के देखना, और मैं आपको इस साइड से दिखा दूँ। आपको दिखाते हैं यहाँ पे शायद खुदाई भी हो रखी है क्योंकि ओहो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे देख सकते हो आप जो व्यू है ना, काफी देखने लायक है।
यहाँ पे खुदाई भी होती रहती है। आप नीचे भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो खुदाई हो रखी है, और हम उस साइड से भी आए थे, आप पीछे जो देख पा रहे होगे। और इसके ऊपर चलते हैं थोड़े दोस्तों, अब इसके ऊपर और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हो हमारे साथ वाले अंकल और भैया ऊपर पहुँच गए हैं, हम भी चलते हैं। हम यहाँ पे ज़रा फ़ोटो खींचने में बिजी हो गए थे। और भाई बहुत बढ़िया, गजब फीलिंग आ रही, गजब। वैसे तो मैं यहाँ पे आया ही नहीं हूँ, और किसी किले में आज तक गया नहीं हूँ, तो मुझे यही अच्छा लग रहा होगा, यही अच्छा लग रहा है। किधर से चलें भाई, इस साइड भी दो सीढ़ियाँ हैं, एक पीछे साइड में और एक यहाँ पे। भाई मज़ा आ रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने ऊपर आ गए। ना दूर है, देखना आ रहा तू? हां दूर आया। अरे हम लोग यहां से देख रहे हैं ना। अच्छा धान के धान फेंक दे। हां धान फेंक दे। ओ भाई गजब गजब फीलिंग है यहां से, जो आप देख सकते हो साइड से कितना। यहां पे जो पेड़ है काफी पुराना लग रहा है देखने में, इसके नीचे ईंट लगी हुई है। और जो आप यहां से देख पा रहे हो यहां का जो नजारा दृश्य है ना, काफी देखने लायक है। अरे ना उससे जो खेत, और यहां देख सकते हो कुछ लोग फोटो वगैरह खींचने आए थे, शायद यहीं पे रहते होंगे। हां देखो क्या कर रहे हो भैया यहां पे पत्थर फेंकने का, पत्थर यही कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे खजूर से पार फेंक रहे हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच रहा है, यही गिर गया पत्थर। पल्ले कुन्ना गिरा, अरे जे मान नहीं रहा। कहां पे फेंक दिए पत्थर? बहुत दूर पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। पूरे जोर से फेंक चुके लेकिन जा ही नहीं रहा, अफसोस। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से जो कि पत्थर फेंकने की कोशिश की जा रही है, कौन कितने दूर पत्थर फेंक दे। गाँव में ऐसा होता है, अक्सर देखा होगा आपने। ओह भाई ये बहुत दूर गया है, फिर पत्थर फेंक रहा है। ये आज सही है, आपसे बहुत दूर गया पत्थर। अब पता नहीं भैया, मुझे तो बहुत दूर लग रहा है कि पार कर गया वो वाला पेड़। और यहाँ से आप देख पा रहे होगे ये किला, वैसे कोई किला नहीं है, कुछ टापू टाइप का है यहाँ पे, जैसे कि नॉर्मली किला होता है, दिल्ली वाला किला है या फिर आगरा वाला किला है, तो उस तरह का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जंगल टाइप का है। और पहले मुझे लगा कि दिल्ली वाला किला है, मतलब इस टाइप का किला बना होगा, उसमें रहते होंगे और शायद पांडव वगैरह तो जंगल वगैरह में रहते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है जिसपे बहुत कुछ लिखा गया है लड़कों द्वारा, ये नाम लिखे गए हैं, अर्जुन अर्जुन बहुत सारे नाम। यहाँ पे कह रहे हैं लड़की, कह रहे हैं यहाँ पे जो अपना नाम लिखता है किसी चीज को याद करके उससे मन में रख के, तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। आप यहाँ पे आए और ट्राई जरूर करें। दिख रहा होगा और गांव भी आ रहे हैं दोस्तों, अभी मुझे पता चला है, चाहे मजाक में बोलते हो कि यहाँ पे जो नाम लिखता है उसकी शादी जल्दी हो जाती है, शादी जल्दी हो जाती है यहाँ पे। तुम भैया यहीं पे रहते हो? नहीं यहाँ नहीं रहते हैं हम, तो बस सैग्रामपुर से आए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे वीडियो बनाने आए थे या फोटो वगैरह खींचने? आप पहले यहाँ पे आ चुके हो कभी? हाँ आए थे, मतलब 2 साल हो गए पहले। अच्छा ये लोग पहले यहाँ पे आ चुके हैं, तो दोबारा से इन्होंने सोचा चलो टहल के आते हैं। और यहाँ का जो नज़ारा काफी देखने लायक है, और हमें लग रहा था यहाँ पे आगे कि वैसा वाला कोई किला होगा जैसे होता है नॉर्मली, ये तो एक टीले टाइप का है। चलो मन में कुछ और था, देखा कुछ और, फिलहाल अच्छा है। यहाँ का जो मैं आपको क्या ही बताऊँ, यहाँ से जो मैदान दिख रहा है ना दूर दूर तक का, सब चारों तरफ का काफ़ी देखने लायक है। और उस साइड भी शायद कोई सा गांव है। और अभी जो इस टाइम मौसम हो रहा है ना, काफ़ी सुहावना मौसम है, और अभी नहीं 2:10 हो रहा है। और देखता हूँ ये पत्थर, ये नहीं लगा, ये बहुत आराम से रखा हुआ गया है। ओहो आप देख सकते हो, अभी हम यहाँ इस साइड से नीचे से आए थे, जो कि रास्ता दिख रहा है। दोस्तों मैं भी यहाँ पे पत्थर फेंकने की ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कितने दूर तक फेंक पाता हूँ। और देख सकते कोशिश करता हूँ, कमेंट करके बताना अगर आपको दिखे कि पत्थर पहुँच गया। फेंकू फेंकू 1 2 3
ये ऊंचाई बहुत हो जाती है पत्थर की, लेकिन पार नहीं जाता है भाई, पार नहीं पहुंचा है। आप देख सकते हो कोशिश पूरी की है, इधर फेंक के ट्राई करो आप लोग, यहां पे आके ट्राई करो, यहां पे ऊंचाई से फेंको यहां पे जो भी आता है पत्थर फेंकने की कोशिश करता है। यहां पे अभी जो लड़के थे कह रहे थे हां यहां पे पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं लोग, अब मस्ती के लिए करते हैं या पता नहीं, तो इधर फेंक के तो फेंका नहीं, जूता हुआ कहते हैं। आप कभी यहां पे आओ तो फेंकने का जरूर ट्राई करना। दोस्तों एक बार फिर मैं से कोशिश करता हूँ पुष्कर ने गिराने की, ये थोड़ा हिलेगा नहीं हिलेगा बता रहा, अगर हिल जाए दोस्तों तो क्या सही है, वीडियो व्यूज आ रहा है ना भैया, गिरने की हिल भी नहीं रहा दोस्तों, लग रहा क्योंकि एक तरफ झुका हुआ है तो लग रहा कि हिल सकता है, लेकिन कोशिश नाकामयाब रही। ये तो भैया दिल बने हुए हैं, यहाँ पे मजनूगिरी करी जाती है यहाँ पे। देख सकते हैं बहुत सारे नाम, बाबू भी लिखा गया है यहाँ पे, बाबू बाबू सोना क्या लिखा है जी, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मिक्स भी हो गया कुछ, मुस्कान सैंकी, ये लवर पॉइंट बन चुका है अब, ये भीम की तो कम रहेगी, लवर पॉइंट बन गया है, लड़के लड़कियाँ आते हैं यहाँ पे नाम लिखते हैं, यहाँ शादी हो जाती है, आप लोग भी आइए अपने नाम लिखिए, देखते हैं शादी होती है। दोस्तों हम थोड़ी जानकारी लेंगे अपने साथ वालों से, अंकल जी से, और ये देख सकते हो, बताओ भैया यहाँ पे आके कैसा लगा एक बार दोबारा बता दो खुल के। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग आइए जरूर, इनका यहाँ पे आने का मन नहीं था, बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अच्छा लगा आके, और सुंदर किला है इसलिए, आप कारीगर भी देख लो सामने। यहाँ पे अंकल जी से पूछते हैं, अंकल जी आप हमें यहाँ पे लाए, हमें बहुत अच्छा लगा, वैसे एक मन कर रहा था कि नहीं है, पता नहीं क्या किला होगा यहाँ पे इतने पास में, बहुत बढ़िया, ठीक है। अंकल यहाँ पे आ चुके हैं, मैं आपको पहले ही बता रखा है, और तो उन्होंने बोला एक बार चलो हमारे कहने चलो, एक बार आप लोग भी आना, अंकल कह रहे हैं कि एक बार अगर आपको टाइम मिले और आप आस पास में रहते हैं तो फिर जरूर आए यहाँ पे, और यहाँ यहाँ का सबसे बढ़िया लगा मुझे, यहाँ पे किला वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे वैसा टीला टाइप का है, सबसे बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे जो दृश्य था यहाँ का, जो कि काफी देखने लायक, बार बार कह चुका हूँ इसलिए मैं आपसे नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा है, बस ये कहूँगा कि आपको टाइम मिले तो जरूर आए, पर आप ये पास में रहते थे तो आ चुके होगे, और ये है भीम का गधा, पत्थर ऐसे कहते हैं भीम का गधा, और हम नीचे की ओर चलते हैं। दोस्तों वैसे तो मैं आपको ये रामनगर वाला किला जैसा भी है दिखाई चुका हूँ, जो कौन का भीम का गधा था कहते हैं एक पत्थर टाइप का, वो भी दिखा चुका हूँ, और यहाँ का जो नज़ारा दिख रहा होगा आपको, बारिश टाइप की अब आ रही है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो काली घटा वगैरह छाई हुई है, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह शेयर किया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो मैं अपनी नई वीडियो अपलोड किया करूँ वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए, और दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप यहाँ पे आ रखे हो या नहीं आए हो, अगर आप यहीं पास में क्षेत्र में रहते हो कहीं पे ओला के पास में या यहीं पे मीरगंज की तरफ, तो आप यहाँ पे देखने जरूर आए, आप देख रखिए तो कमेंट करके बताएं, और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मुझे तो दोस्तों यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और जैसा भी किला है एक टीला टाइप का है, और इसका मैदान है जो कि काफ़ी बड़ा है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और मिलता हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।